हेलो एवरीवन आज डेट है 17 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आई एस को सर्च करके वहाँ से भी पी को डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट न्यूज किरण बेदी रिमोव एज पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जो पुदुचेरी हमारा यूनियन टेरिटरी है उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वहां से उनको रिमूव कर दिया गया है और तेलंगाना के जो गवर्नर है उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है पुदुचेरी यूटी को संभालने का अभी इसका कोई कारण सामने नहीं आया है कि उनको वहां से क्यों रिमूव किया गया है तो देखो इस आर्टिकल में एक तो हम डिस्कस करेंगे पुदुचेरी जो यूटी है उसके बारे में और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है और यूटी होती क्या है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि पुदुचेरी कहाँ कहाँ सिचुएटेड है देखो ये जो पुदुचेरी है नाइनटीन में इसको फ्रेंच कॉलोनी नाइनटीन में तक मतलब हमारा इंडिया आजाद हो गया था 1947 में 1954 तक ये फ्रेंच कॉलोनीज था उसके बाद में इसे फ्रेंच से इंडियन में आ, मिलाया गया और उसके बाद में 1962 से इसको एज ए यूटी डिक्लेयर कर दिया गया देखो जो पुदुचेरी जो यूटी है वो हमारे इंडिया के चार इस, आ, तीन स्टेट में फैला हुआ है इसका एक पार्ट है यनम वो है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में एक पार्ट है इसका पुदुचेरी जो मेन पुदुचेरी है वो तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें है और इसका एक पार्ट करेकाल भी मिनाडू में है और माहे है केरला में तो देखो इनकी जो लोकेशन है वो हमारे क्लियर होनी चाहिए प्रीलिम्स में जो न्यूज़ बेस्ड या फिर जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेंगे नॉर्थ टू साउथ इनका जो सिचुएशन एरिया है उसके बारे में पूछ लेंगे और जो कौन-कौन से कौन-कौन से स्टेट में गिरते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाएगा ठीक है तो देखो ये पुदुचेरी के बारे में हमने डिस्कस किया अब हम डिस्कस करेंगे कि यूटी कैसे डेवलप किए जाते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अपॉइंट होते हैं देखो यूनियन टेरिटरी को डेवलप करने के कई कारण होते हैं सबसे पहले हम थोड़ा बैक हिस्ट्री से बात करते हैं जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का रूल था ब्रिटिश रूल था उस समय कुछ स्टेट ऐसे थे जिसको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज के नाम से जाना जाता था अब जैसे ही इंडिया आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट इनको ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ना उनको पार्ट थ्री पार्ट सी और पार्ट डी में डाल दिया गया 1956 की बात है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 और स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 1956 के द्वारा ये जो पार्ट सी और पार्ट डी जो स्टेट थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया यूटी में ठीक है यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी जो है उसको डेवलप करने का कई कारण है देखो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण होते हैं जि, जिनके आधार पर दिल्ली और चंडीगढ़ को डेवलप किया गया है कल्चरल डिस्टिकनेस भी होती है जिसके आधार पर भी यूटी बनाए जाते हैं तो पुदुचेरी दादरा और दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव इनको बनाया गया था कल्चर के आधार पर कि यहाँ का जो कल्चर है वो अलग है और एरिया की तुलना में ठीक है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के आधार पर भी यूटी बनाए जाते हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को बनाया गया है और इसके अलावा लक्षद्वीप को बनाया गया है और कुछ एरिया जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड और ट्राइबल लोग वहां पर रहते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए भी यूटी बनाया जाता है और इन्हीं के आधार पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जैसे मिजोरम हो गया मणिपुर हो गया पहले इनको यूटी बनाया गया था लेकिन बाद में इनको किस में चेंज कर दिया गया स्टेट हुड इनको दे दी गई थी जब लगा कि यहां पर जो डेवलपमेंट है वो सही हो गया है तो इनको डिक्लेयर कर दिया गया फुल स्टेट हुड के साथ में अब यूटी कैसे बनाया जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया अब हम बात करते हैं पॉलिटी की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 239 से 241 के बीच में जो पार्ट एट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है ये जो यूनियन टेरिटरी होती है वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरीज होती है ठीक है ये हमने डिस्कस कर लिया अब हम देखते हैं कि यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कैसे नियुक्त किए जाते हैं देखो जो यूटी है यूनियन टेरिटरी उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है ठीक है प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया गया लेकिन ये जो प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं ये यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सेम उसी तरीके से स्टेट में जो गवर्नर होता है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना कि एजेंट ऑफ क्या होते, है? होते हैं है? प्रेसिडेंट होते हैं ये जो यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो होते हैं एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है देखो पार्लियामेंट को यूनियन टेरिटरी के ऊपर फुल पावर होती है पार्लियामेंट क्या कर सकती है पार्लियामेंट जो तीनों लिस्ट होती है हमारे संविधान की जो शेड्यूल सेवन है उसमें यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इन तीनों लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट डिक्लेयर किए गए हैं कि किस एरिया में किसको पावर है लो बनाने की लेकिन जो यूटी के परिप्रक्ष में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है कि वो वहां पर किसी भी लिस्ट के ऊपर पावर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लो बना सकता है देखो दो यूटी है दिल्ली और पुडुचेरी वहां पर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है और वर्तमान में 2019 में जो नई यूटी बनी है जे एंड के वहां पर भी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है तो यहाँ पर यहाँ पर वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर पावर बनाए लो बनाए लेकिन पार्लियामेंट को भी फुल पावर वहाँ पर होती है ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया है यूटी के बारे में डिस्कस किया पुदुचेरी के बारे में डिस्कस किया हमने और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया नेक्स्ट न्यूज है देखो साउथ अफ्रीका में कोविड 19 का नया म्यूटेंट पाया गया था और उस म्यूटेंट के उस वेरिएंट के जो केसेज हैं वो इंडिया में भी पाए गए हैं फोर केसेज पाए गए हैं इसके अलावा जो ब्राजील स्ट्रेन है उसका भी एक केस इंडिया में पाया गया है इससे पहले यूके बेस्ड जो स्ट्रेन है उसके अब तक 187 एटी केसेज इंडिया में पाए गए हैं नेक्स्ट न्यूज है टूल केस रोल ऑफ पी जे एफ अंडर स्कैनर पीजेएफ क्या है पहले तो हम इसको देख लेते हैं PGF है पोइटिक जस्टिक फाउंडेशन इस फाउंडेशन को एम ओ धालीवाल और अनीता लाल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ये दे, देखो जो पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन है एक एक्शन प्लान होता है कि क्या क्या काम होगा जब आप कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो या कोई भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो आपका जो एक्शन प्लान होने वाला है उसको बोला जाता है टूल किट तो देखो इसका जो टूल किट है उस एक्शन प्लान में भी ये बताया गया है कि 26 जनवरी को इंडिया की जो दिल्ली है न्यू दिल्ली कैपिटल है वहां पर प्रोटेस्ट होगा और वहां पर जो भी इंसिडेंट हुआ उनके बारे में इसके टूल किट में बताया गया था और सेम इसी तरीके से जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी टूल किट था और उस टूल किट में भी सेम बातें रिपीट की गई थी तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन का जो टूल किट है उसमें भी सेम बातें लिखी गई हैं और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी सेम बातें लिखी गई हैं तो ये कोई भी क्या नहीं है कोइंसिडेंस नहीं है ये पहले से सब कुछ एक डेफिनेट चीजें थी जिनको बाद में अप्लाई किया गया नेक्स्ट न्यूज रेक्टिफाइंग इनजस्टिसेज ऑफ हिस्ट्री सेज मोदी हमारे पीएम मिस्टर मोदी ने बोला है कि हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसे हीरो और हीरोइन हैं जिन्होंने हमारे इंडिया की सिक्योरिटी सेफ्टी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है और सेम इसी तरीके के एक हीरो थे महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये हिंदू एम्प्रर थे और इन्होंने एक मुस्लिम मुस्लिम जो हमारे यहाँ पर एनक्रोचर था उसको हरा दिया था और हमारी इंटीग्रिटी और सेफ्टी को बनाए हुए रखा था तो उसी का ही फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम के द्वारा यूपी का जो बहराइच वाला एरिया है जहाँ पर चित्तूरा लेक है वहां पर ये डेवलपमेंट किया जाएगा उनका मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क वहां पर किया जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे पीएम ने उसकी फाउंडेशन रखी है पीएम ने ये बोला कि देखो हम हमारी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर में प्रवेश कर गए हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री में जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया गया लेकिन उनकी मेमोरी को उनके काम को भुला दिया गया तो ये समय है कि उनकी काम को दोबारा से याद किया जाए और जिन लोगों ने सेक्रीफाइज किया था उनको मेमोरी में बनाए रखा जाए नेक्स्ट न्यूज है पेंगोंग सोलेक जो है जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी स्ट्रगल टेंशन चल रही थी इंडिया एंड चाइना पुल बैक ट्रुप्स फ्रॉम पेंगोंग लेक 24 जनवरी को लास्ट टाइम ये वार्ता हुई और वार्ता में ये क्लियर हुआ कि प्री अप्रैल 2020 मतलब अप्रैल 2020 से पहले इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स की पहले जो सिचुएशन थी जिस एरिया में इंडिया और चाइना के ट्रूप्स एस्टेब्लिश थे जैसे चाइना के जो ट्रूप्स थे वो फिंगर एट तक थे और इंडिया के जो ट्रूप्स थे वो थापा जो जो पोस्ट है जो फिंगर थ्री के पास है वहां पर वापस लौट जाएंगे और उसमें स्टार्ट भी हो चुका है ये काम इसका जो पेंगोंग सो लेक का जो साउथ वाला रीजन है जहां पर इंडिया ने चाइना को झुकाने के लिए जिस चोटियों को अपने अंडर कर लिया था वहां से भी इंडिया को पीछे हटना पड़ेगा नेक्स्ट न्यूज कुछ डाटा है वैक्सीन से रिलेटेड उनको हम डिस्कस कर लेते हैं देखो कोविड 19 वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया था 16 जनवरी से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ये बोला गया है कि 15 फरवरी तक के डाटा दिखाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है तमिलनाडु और पंजाब स्टेट ऐसे हैं जहां पर बहुत ही लो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है दोनों ही स्टेट में अब तक जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40 परसेंट से भी कम लोगों को वैक्सीनेशन मिला है तमिलनाडु में तो 100 पीपल के ऊपर पॉइंट थ्री डोजेज ही एडमिनिस्ट्रेटेड एडमिनिस्टर्ड की जा रही है मतलब पूरे इंडिया के ऑल यूटी और स्टेट्स की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है इंडिया में पूरे अब तक पिचासी लाख सोलह हजार सात सौ इकहत्तर डोजेज दी जा चुकी हैं और पूरे वर्ल्ड की 48 कंट्रीज में कंपैरिजन किया गया है जिसमें फोर्थ नंबर पर इंडिया है वैसे इंडिया में 100 पीपल में पर 100, पीपल 100 बात की जाए तो पॉइंट सिक्स थ्री डोजेज को ही एडमिनिस्टर्ड किया जाता है ये सभी नेशन में फिफ्थ लोवेस्ट है ठीक है यहाँ पर बेनिफिशियरी का नंबर दे रखा है अब तक जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 84.18 लोगों को वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज मिल चुकी है और 98,118 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है ठीक है ये डाटा यहाँ पर दे रखे हैं वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में दे रखा है स्टेट और यूटी के मैप के थ्रू दिखाया गया है कि बिहार में अब तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है पंजाब और तमिलनाडु जो है उसमें फोर्टी परसेंट से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पर स्टेट वाइज डेटा दे रखे हैं कि अगर हम वेस्ट की बात करें तो महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान जो स्टेट हैं वो लीड कर रहे हैं यूपी उत्तराखंड दिल्ली और एचपी नॉर्थ में लीड कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की जा रही है और ग्लोबल कैंपेन की बात की गई है कि 48 एट में अगर 100 पीपल पर 100 पीपल की बात की जाए तो इंडिया फिफ्थ नंबर पर आता है ठीक है सबसे फर्स्ट नंबर पर यूएस है और फोर्थ नंबर पर इंडिया आता है अगर वैक्सीनेशन की दी जाने की बात की जाए तो इंडिया में 84.48 लाख लोगों को दी जा चुकी है और यूएस में अब तक सबसे ज्यादा 5.28 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर्ड हो चुकी है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ठीक है नेक्स्ट न्यूज है यहां देखिए देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारे यहां इंडिया में टेबल टॉप जो एयरपोर्ट है उनके ऊपर कम से कम इंसिडेंट हो उसके लिए एक प्ली फाइल हुई है पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पर जो टेबल टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे जो कोजिकोड है और मैंगलुरु जो एयरपोर्ट है वहाँ पर सेफ्टी जो नॉर्म्स एस्टेब्लिश करने थे उनको अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है उनके ऊपर अभी तक काम नहीं किया गया है इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम वहां पर एस्टेब्लिश करने थे ताकि इन एयरपोर्ट्स के ऊपर जो रिस्क है उसको कम किया जा सके टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होते हैं पहले तो हमें यह पता होना चाहिए किसी भी पर्वत को या फिर कोई भी जैसे पठार वाला एरिया है उसका टॉप वाला एरिया को फ्लैट करके जब वहां पर क्या बना दिया जाता है एयरपोर्ट बना दिया जाता है तो देखो जब ये विमान जो एयरक्राफ्ट है जब उस पर उतरते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो जब टेबल टॉप एयरपोर्ट में स्पीड जब कंट्रोल में नहीं आती और कुछ सेकंड में ही एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जैसे लास्ट ईयर जो कोजिकोड लास्ट ईयर जो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था कोजिकोड में उसके बारे में भी इसमें बताया गया है तो देखो जैसे ही टेबल टॉप एयरपोर्ट खत्म होता है उसके जस्ट बाद में क्या आ जाता है एक बहुत बड़ी गहरी खाई आ जाती है जिसमें वो जो एयरक्राफ्ट है वो उसमें गिर करके क्रैश हो जाता है तो इनकी सेफ्टी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस आर्टिकल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है तो डिस्कस कर लेते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होती है एक अप्रैल 1995 को इसको फॉर्मेशन किया गया था और हमारे इंडिया के जो 137 जो एयरपोर्ट हैं उनकी उनको क्रिएट करना उनको अपग्रेड करना मेंटेन करना उनको मैनेज करने का काम करता है ये काम ये जो और और के अंडर ये है है क्या होती बॉडी भी इनको बोला जाता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा इनको क्रिएट किया जाता है नेक्स्ट न्यूज है देखो हमारे उत्तराखंड में एक ट्रेजडी आई है और उस ट्रेजडी के बारे में अब जानकारी हासिल की जाएगी देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है वाडिया इंस्टीट्यूट उसमें जानकारी हासिल की जाएगी कि ये जो ट्रेजडी है उसका कारण क्या है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस एरिया के आइस को जो भी मलबा आया जो भी मड रोक आइस इनके फ्रेगमेंट्स ले लिए हैं और एनालाइज करेंगे कि ये क्या कारण रहा कि ये जो ट्रेजडी क्रिएट हुई क्योंकि जो यहाँ पर रैनी विलेज जो है रैनी विलेज जहाँ पर धोली गंगा और ऋषि गंगा रिवर मिलती है और जहां से चिपको मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था ये रैनी विलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो रैनी विलेज की जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद में ये डिजास्टर आई थी तो इसके बारे में पता करना होगा कि ये क्यों आई थी ये डिजास्टर और उसके कारण क्या रहे थे अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा पार्ट टूट गया था क्योंकि उसके ऊपर कोई हैवी पार्ट आकर गिरा जिसकी वजह से जो पहले से पिघल रहा था ग्लेशियर वो और ज्यादा पिघल करके अचानक जो पानी का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से यह डिजास्टर क्रिएट हुई थी अब ये सिर्फ कारण का अंदाजा लगाया जा रहा है मेन जो कारण है उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो उसके जो ट्रेसेज है उनको लिया गया है और ओरिजिन का अब पता लगाया जाएगा इस डिजास्टर का तो ये हमारा आज का डिस्कशन था ओके थैंक यू